इस वीडियो में आपको जियो भारत V2 4G फोन में वॉलपेपर किस तरह से चेंज करते हैं वो दिखाऊंगा। तो आप फ़ोन अनलॉक कीजिए, उसके बाद मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। फिर डिस्प्ले सेटिंग इधर आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको वॉलपेपर का ऑप्शन दिखेगा, फिर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर, ये आपको तीन दिखेगा। आप बिना SD कार्ड लगा के आप तीन जो है इधर से जो है सेट कर सकते हो। देखिए मैंने इसको सेट कर दिया, तो ये आपको तीन जो है बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है जो फ़ोन में ही है। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे फ़ोन से, किसी स्मार्टफोन से या फिर किसी से एक माइक्रो SD कार्ड से डलवा लो, जो है आप इमेजेस डलवा लो। मैंने लिंक डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी जो मैं वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर पाओगे। एक वेबसाइट भी डाल दूंगा जहाँ पे इस फ़ोन के लिए स्पेशली इस स्क्रीन साइज़ के लिए वॉलपेपर डाउनलोड कर पाओगे। फिर जैसे ही डाउनलोड करके आप इसमें रख दीजिएगा, जी हाँ, एक फोल्डर बना के रख दीजिएगा, उसके बाद आपको जो है ये जो माइक्रो SD कार्ड है इसमें डालना होगा। तो मैंने इस पर जो है डाल दिया है माइक्रो SD कार्ड, मेमोरी चिप मैंने इसमें लगा दिया है। आपको जितना चाहिए उतना डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका डाउनलोड होके इसमें जो है माइक्रो SD कार्ड आ जाएगा, आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको उसी सेटिंग में जाना होगा जहाँ पे मैंने आपको पहली बार लेकर गया था। उसी सेटिंग में ही आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देगा, नीचे फोटोज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो स्कैन करेगा, तो उस SD कार्ड में जितना भी वॉलपेपर्स रहेगा, मतलब कि फ़ोटोज़ रहेगा, वो सब आपको शो करेगा। देखिए वो सारे आ चुका है, देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ था मेरे उस SD कार्ड में तो आ चुका है। तो मैंने इस फ़ोन के लिए पर्सनली डाउनलोड करके रखा है, जो उसके लिए मुझे अपने मैनेजर पे जाना होगा। उधर से भी आप सेट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इधर में आप सेट कीजिएगा। एक्सटर्नल स्टोरेज जो हमने SD कार्ड डाला था इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। फिर से मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ, देखिए मेनू, उसके बाद नीचे फाइल्स के ऊपर, फिर एक्सटर्नल स्टोरेज, इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखिए जियो भारत नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया था ताकि आसानी हो सिलेक्ट करते टाइम। में देखिए ये वो वॉलपेपर से जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, देखिए ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इस फ़ोन के साथ सभी ये जचेगा और ये सभी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसी स्क्रीन साइज़ के लिए ही ये जो है वॉलपेपर्स मैंने डाउनलोड करके रखा है। देखिए जैसे कि इसको सेट करूँगा तो इसको आपको सबसे पहले प्रीव्यू करना है, फिर ऑप्शन में जाना है, फिर आपको सेट एज वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर देना है और ये डन हो गया। फिर आप देखोगे कि आपके जो है वॉलपेपर में वो आ चुका है और मेनू में भी वो आ जाएगा। फिर से चेंज करने के लिए फिर से आइए जहाँ पे आपके फ़ोटोज़ है। आप चाहे तो खुद का भी फ़ोटो लगा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा कम साइज़ में जो है फ़ोटो रखना होगा। देखिए ये वाला भी आ चुका है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये भी है, बहुत सारे मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो जो भी आपको पसंद हो आप इधर से सेट कर सकते हो। जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस वेबसाइट में आपको इस फ़ोन के लिए स्पेशली इस स्क्रीन साइज के लिए बहुत सारे वॉलपेपर्स दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके इस फ़ोन के लिए इस तरह का वॉलपेपर्स अप्लाई कर सकते हैं।